સ્વાગત છે આપનું. વાત કરી રહ્યા છે આપણે અતિથિ કાર્યક્રમમાં એકતા કપૂરની નવી શોધ આશિયા કાઝી સાથે. આપ બહુત મતલબ ખુશ હો ગયે થે, ફેમિલી મેમ્બર્સ કો ભી બતાયા, બાકી કિસી કો બતાયા હી નહીં થા. અચ્છા જી, સબસે પહેલે તો મેં પૂછના ચાહુંગા કે કેસે લડ્ડુ ફૂટે થે જબ આપકો મેસેજ મિલા કે હા આપ સિલેક્ટ હો ચુકે હો. જબ મેને ઓડિશન દિયા થા, મુજે પતા નહીં થા કે યે મતલબ જો કેરેક્ટર હૈ યે લીડ રોલ કે લિયે હૈ. तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे बताया गया कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तब तक ठीक था, खुशी थी. बाद में पता चला कि ये लीड रोल के लिए है. आई गॉट अ बिग शॉक. बाद में मुझे पता चला रॉन इज अपोजिट में. इट वाज और बिग शॉक. इतना था कि जब मैंने फ़ोन रखा तो मेरे हाथ में सेलफोन ऐसे था और मैं ऐसे बैठी थी और मैं इतनी शॉक थी. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इज़ इट अ ड्रीम और क्या ये सच में हो रहा है. देन जब मैं कंट्रोल में आई देन आई वॉज इतनी खुशी हुई मुझे, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस एज में मुझे इतना बड़ा ब्रेक मिलेगा. एंड दैट टू विद बालाजी और लीड रोल में एंड अपोजिट रॉनित. मैंने कभी नहीं सोचा था. इस इंडस्ट्री में मैं 3 साल से ट्राई कर रही हूँ और जब मैं इसके ऑडिशन के लिए गई थी, एक्चुअली मैं नहीं जा रही थी बिकॉज मैं कॉलेज से आ गई थी, मैं बहुत थक गई थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे कन्विंस किया नहीं जाओ, आप जाओ इस ऑडिशन के लिए जाओ. देन जब मैं गई वहाँ पर तो उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दिया जो कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन होता है ऑडिशन में. तो जो वहाँ पर देते हैं ACH वगैरह वो थे, तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और इट वॉज अ ब्रीफ अबाउट माई कैरेक्टर. तो वो बस मुझे रीड करके वो बोलना था कैमरे के सामने. सो दैट इज़ वॉट आई डिड. और मतलब 3-4 बार मैंने ऑडिशन नहीं, मुझे एक बार ऑडिशन मैंने जब दिया, मुझे सेकेंड टाइम कॉल आया कि आप शॉर्ट लिस्ट पर आ जाओ. देखो मैंने बहुत सारे थे तो बाद में फिर मैंने आई थिंक सो 4 बार मैंने ऑडिशन दिया एंड देन फाइनली आई गॉट कॉल आफ्टर माई लुक टेस्ट कि आपका सिलेक्शन हो गया है. मैं जैसे मैंने बोला मैं ऑडिशन के लिए जाती थी और हुआ मेरा 3-4 जगह हुआ एड्स के लिए हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये होती थी कि मैं स्कूल में थी और मेरे एग्जाम्स बीच में आ जाते थे, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाती थी. एक तो है मेरा टैलेंट, आई थिंक सो जो मेरा टैलेंट है उसे देखकर मेरा सिलेक्शन हुआ है. एंड सेकंड मे बी लुक, जो उन्हें चाहिए था एक विलेज गर्ल का लुक, वो उन्हें शायद मिल गया हो इसके लिए. यही तो डिफरेंस होता है, मतलब लोग जो आते हैं उन्हें हाई फाई रोल चाहिए, इस तरह का रोल चाहिए, और ऐसे ही करते करते ये सब रोल्स कॉमन हो गए. और जो विलेज गर्ल का रोल है शायद ये किसी ने प्ले किया होगा, तो इट्स अ डिफरेंट रोल, इट्स टोटली डिफरेंट. तो इसलिए मैंने सोचा नहीं विलेज गर्ल का रोल अच्छा है, बिकॉज हाई फाई रोल तो सब करते हैं लेकिन विलेज गर्ल का ज्यादा लोग नहीं करते. हाँ नहीं ऐसे नहीं, मतलब इट्स अ डिफरेंट रोल. ऑब्वियसली मेरे फैमिली मेम्बर्स को मिला था पहला मैसेज, उसके बाद हमने किसी को बताया नहीं था बिकॉज वी वर टोटली इन शॉक. और बाद में नेक्स्ट डे जो है हमने हमारी फैमिली मेम्बर्स को ऐसा ऐसा कॉल करना शुरू किया, तो दे ऑल वर लाइक सच में, और लोग इतने खुश हुए मेरे लिए, इतने खुश हुए, दे वर लाइक आप चिंता मत करो अपनी स्टडीज़ वगैरह के बारे में, वी आर देयर टू सपोर्ट यू, यू जस्ट गो अहेड, मेहनत करो अच्छे से करो, दैट्स ऑल दे सेड, लाइक डोंट वरी, हम लोग हैं सपोर्ट करने के लिए आपको. तो जब आप फैमिली मेंबर्स ने मुझे इतना बड़ा सपोर्ट दे दिया, फिर आगे सोचने की जरूरत नहीं थी मुझे. लेकिन बाद में जब आपके ग्रुप में, आपके कॉलेज के मतलब फ्रेंड्स में मालूम पड़ा, तो क्या वो मानते थे, मानने को तैयार थे, या बोलते थे नहीं फेंक रही है ऐसे तो क्या हुआ था? नहीं, मैंने किसी भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बताया नहीं था इसके बारे में टिल देन, मतलब जब तक प्रोमो वगैरह ऑन एयर थे, तो उन्होंने खुद ही देख लिया था ये चीज़. ओके. और मुझे सब कॉल आने लग गए थे कि ऐसे में हम लोग भी लग रहा है कि वो तेरे से दिख रही है लड़की, ऐसे क्यों लग रहा है. और मतलब आधे जन ने जो थे वो न्यूज़पेपर में पढ़ लिए थे वहाँ जो आए थे. सो दे वर लाइक यही क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वॉट इज़ गोइंग ऑन. तो फिर मैं बोलती थी नहीं मेरा सिलेक्शन हो गया ऐसे वैसे. सो दे वर वेरी हैप्पी फॉर मी, और मुझे स्टडीज़ में तो ऑब्वियसली हेल्प चाहिए अभी. सो दे सेड कि आसिया यू मतलब यू गो अहेड, इतना अच्छा ब्रेक मिला है एट दिस एज, सो यू डोंट वरी, स्टडीज में हम तुम्हारी हेल्प करेंगे वट एवर नोट्स है. और आधे टाइम तो सब लोग इतने मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, बिकॉज हाँ क्योंकि आपने किसी को बताया नहीं था. नहीं मैंने किसी को नहीं बताया था, आई एक्चुअली वांटेड टू गिव देम सरप्राइज, इसलिए मैंने बताया था. और जो लोग पेपर में पढ़ते थे ठीक है, उन्हें पता चला था आसिया काजी तो वही है भवंस कॉलेज वगैरह में, लेकिन आधे लोग जिनको नहीं पता था और जो टीवी में देखते थे, दे वो 5 मिनट सोचते थे इसके से दिख रही है कि वही है या नहीं, तो वो लोग फोन करके कंफर्म करते थे. मुंबई में कहाँ रहते हैं आप आसिया जी? मैं इट्स जोगेश्वरी एरिया. ओके. कॉलेज में भी क्या आप अलग टैलेंट शो में या तो अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे? नहीं, कॉलेज में तो फर्स्ट ईयर, इसलिए मतलब इतना मैंने पार्ट नहीं लिया. स्कूल में मैं लेती थी,
डांस शोज जो होते थे उसमें पार्ट लेती थी और एक्टिंग में कभी कभी, लेकिन मोस्टली मैं डांस में पार्ट लेती थी। एक्टिंग में पहली बार आप आ रहे हो इतना बड़े बैनर के साथ, ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं कुछ सिखाया भी गया होगा कि जब बेसिक रूल्स जो भी होते, किसने दिया था ट्रेनिंग और बेसिक क्या लगा था आपको कि यस ये कमियां है आसिया जी आप में, आपको इतना इतना इम्प्रूव करना पड़ेगा? कमी तो देखो अभी जैसे मेरी स्टार्ट है तो ऑब्वियसली मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारी मीटिंग में थी एकता दी थी, रौनक थे, बहुत जन थे, तो उन्होंने मुझे समझाया मेरे कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी के बारे में ब्रीफ किया एंड दे सेड के फिक्र मत करना, वी आर देयर अराउंड यू टू हेल्प यू आउट। अब जब मैं सेट पर भी रहती हूँ तो मेरे डायरेक्टर्स है, कौशिक सर है, संतराम सर है और बाकी लोग जो है सब मुझे हेल्प करते हैं। जब कोई एक्सप्रेशन नहीं आएगा सो दे शो द वे किस तरह से उस एक्सप्रेशन को मैं लाऊँ नेचुरली। और मतलब पहले जो संतराम सर मेरे जो डायरेक्टर है उन्होंने हम जब फर्स्ट जब हम उनके शूट कर रहे थे आउटडोर, उन्होंने कहा था कि आपको ग्लीस की आदत नहीं पड़नी चाहिए, आपको नेशनल आंसू निकालने हैं। सो ऑब्वियसली ये मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि नेशनल आंसू निकालना इट्स नॉट सो इजी एंड व्हेन स्पेशली जब आप मूड में हो हंसने के या मस्ती करने के, तो इतना टेंशन आ गया था क्या करूँ क्या करूँ। सो मैंने एक ही चीज़ सोची मेरी नानी के बारे में एंड देन जो मेरे आंसू शुरू हो गए तो आफ्टर द शॉट ऑल्सो मैं एक डेढ़ घंटा रो रही थी। हाँ तो और संतराम सर को लगा कि उन्होंने कुछ बोल दिया इसलिए मैं रो रही हूँ, और एक्चुअल में ऐसा नहीं था, एक्चुअली मुझे मेरी नानी की याद आ गई, तो मैं इतना रो रही थी। तो उन्होंने हमें मतलब वो ट्रेंड ऐसे ऐसे सिखाते हैं ट्रेंड, तो अलग अलग हमें मतलब किस तरह से आशे जी आपको किसकी खास करके आपकी ड्रीम हीरोइन कौन है? हीरोइन कोई नहीं है मेरी, हीरो मैं हीरोइन को नहीं देखती। हीरोइन कौन है? हीरो रणवीर कपूर है, रणवीर कपूर। ओके। हाँ हम लोग जब शूट कर रहे थे फिल्म सिटी में रिसेंटली वन वीक बिफोर, तो मुझे पता चला कि रणवीर की शूटिंग चालू है। आप इमेजिन नहीं करोगे क्रेजी, वो अलग बात है। मेरा शॉट एक्चुअली नहीं था, शॉट सेटअप हो रहा था, एक घंटा था मुझे पता चला था शॉट के लिए, मुझे किसी ने बोला रणवीर आया है नियर बाय सेट, तो मैं इतनी पागल हो गई कि 10 मिनट का रास्ता मैं भागते भागते गई, मेरी गाड़ी थी लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैं भागते भागते गई और मैं वहाँ जाकर वो उसको ही देख रही थी और वो परेशान हो गए थे बिकॉज मैं दुल्हन के कॉस्ट्यूम में थी, मेरी दो सिस्टर्स थी, वो एकदम तैयार व्यार होके, तो वो एकदम डर गए थे, लोग की मीटिंग चालू थी, सब कैटरीना कैफ भी थी उस वक्त, सो दे ऑल वर लुकिंग बैक, लोग कुछ बात करते थे और हंसते थे, एकदम टेंस थे और पता नहीं 5 मिनट लोग अंदर भाग गए तो फिर आए नहीं उन लोग, लोग शॉर्ट ले चले गए, हमें भी जाने भी नहीं दे रहे थे। हाँ। बोलते नहीं नहीं बोलते आप लोग मत जाओ, कहाँ से आए हो ऐसे वैसे, तो हम लोगों ने कहा नहीं हम लोग मंदिनी के साइड से आए ऐसे वैसे, तो बोला अच्छा ठीक है आप बाद में मिल लेना शॉर्ट के बाद, बिकॉज लोग बहुत इधर दुल्हन के ड्रेस तो में क्या, थे। क्या अल्टीमेटली मुलाकात हुई रणवीर जी से? नहीं मैं मिलने ही वाली थी लेकिन वो शॉर्ट के लिए अंदर चले गए, बस दूर से देखा, 2 सेकंड का डिस्टेंस था हम लोगों के बीच में, लेकिन वो शॉर्ट के लिए चले गए अंदर और मुझे किसी ने पीछे से रोक लिया। इतना ड्रीम हीरो की तो बात की आपने की बहुत मतलब रणवीर आपको पसंद है, लाइफ पार्टनर आयशा जी कैसा चाहती? ऑब्वियसली रणवीर की जैसा दिखने वाला पर्सनैलिटी में आदत से कहूँगी रौनक जरा, और आदत में हाँ रौनक जरा भी, और मुझे एक जो मेरे पेरेंट्स मेरे फैमिली मेम्बर्स के रिस्पेक्ट करे, इज्जत करे उनकी, और जो आदत से अच्छा हो रोजी मतलब वो खाने के लिए भले रोटी चटनी के, लेकिन उसकी आदत मुझे अच्छी चाहिए। यानी शराब जैसी नहीं, जो ये भी सब गंदी नहीं। हाँ, ये है, उनसे ये मेन बात थोड़ा है दूर रहे, कि वो स्मोक नहीं करना चाहिए और ड्रिंक नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात मुझे ये नहीं चाहिए। आशिया जी अगर 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 एक एक बात सोचो कि अगर आशिया जी का सिलेक्शन बंदिनी में नहीं होता या तो फिर अगर 2-5 साल ऐसे ही ऑडिशन देती रहती आशिया जी और कहीं से भी पॉजिटिव आंसर नहीं आता तो आशिया जी क्या बनती? देखिए मेरा जैसे मैंने कहा 3 साल से मैं इस इंडस्ट्री में ट्राई कर रही हूँ, मेरा मतलब जो सिलेक्शन होता था बाद में कुछ अड़चन आ जाती जैसे मैंने कहा, तो लेकिन अगर मैंने हार मान ली थी एट लास्ट बिकॉज ऑडिशन दे के मैं थक गई थी, सिलेक्शन होता था तो एग्ज़ाम्स आती थी या कुछ और आता था बीच में, तो मैं बहुत मतलब फेडअप हो गई थी एकदम इसके वजह से, लेकिन एक था कि नहीं बस करना भी है, ये मेरा हॉबी है तो मुझे था नहीं करना भी है, तो लेकिन अगर 5-6 साल नहीं होता तो शायद मैं फैशन डिज़ाइनिंग एज माई करियर चूज़ करती, लेकिन कहते हैं ना ऊपर वाले ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे लिए,
तो इसलिए मुझे जो थोड़े बहुत सीरियल्स मिलने वाले थे पहले वो किसी वजह से नहीं मिले, पर अगर वो मिल जाते तो आज मुझे लीड रोल नहीं मिलता, वो लीड रोल नहीं था तो शायद अगर मैं वो करती तो आज ये नहीं कर पाती, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला अच्छा ही सोचता है। नॉर्मली एकता जी की कोई भी सीरियल हो नॉर्मली ट्रिपल फिगर में तो चली जाती है, कहाँ तक प्लान बनाया है, कितने एपिसोड का प्लान अभी तक हो चुका है? अभी देखिए अभी जहाँ तक कि दिखाया गया शादी तक का उतना ही प्लान किया गया है, और रिसेंटली शायद उनकी मीटिंग हुई है तो अभी आगे की स्टोरी को शायद डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक पता था वो शादी तक पता था। ओके, यानी ये भी हो सके अगर लोगों की चाहत मिली तो ये भी बहुत लंबा खींच सकती है और सफर पैरा बन सके। दर्शक मित्रों घनी बड़ी बातों करे परंतु समय थे अवश्य विराम। તીરથ યાત્રા સોમવારે રાત્રે 38 કલાકે ફક્ત ગુજરાત ન્યૂઝ પર। અને એને પગે લાગુ ને ત્યારે પેલી વર્ષોથી છુપાયેલા આંસુ, માના માટે છુપાયેલા આંસુ એક એક બહાર આવે છે। માતા એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ, રવિવારે સવારે 11:30 કલાકે ફક્ત ગુજરાત ન્યૂઝ પર। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ અતિથિમાં, વાત કર્યા છે આપણે આશિયા કાઝીજી સાથે। આશિયાજી, બ્રેક સે પહેલે આપણે બતાવ્યા કે અગર ચાન્સ નહીં મિલતા તો ફ્રસ્ટ્રેશન આ જાતા ઓર શાયદ હો સકતા હૈ કે ઓર એક ટ્રાય કરને કી જગહ પે આપ સોચ લેતે કે મેં આપકા જો દૂસરા ડ્રીમ થા ડ્રીમ નંબર 2 ફેશન ડિઝાઇનિંગ કા વો ચાલુ કર દેતે। આશિયાજી એક એસા સવાલ અગેન હર એક વ્યૂઅર કે દિમાગ મેં ભી હોગા, જો ભી ફ્રેશર ટ્રાય કરતા હૈ एक अच्छे चांस के लिए, अच्छे ब्रेक के लिए। आपने बताया कि 3 साल से आपने कोशिश की थी कि आपको कोई अच्छा रोल मिले, फिर तो ये बात आ गई होगी कि अच्छा रोल भी छोड़ दो, एक बार अच्छा ब्रेक मिल जाए, अच्छा ब्रेक भी छोड़ दो, सिर्फ ब्रेक मिल जाए। 3 साल की सफ़र में बहुत खट्टे मीठे एक्सपीरियंस हुए होंगे, कोई ऐसा हादसा जो जिंदगी पर नहीं भुला सकते, बुरा हादसे की बात? देखिए मैं ऑडिशंस के जैसे जाती थी तो मैं जहाँ पर जाती थी ऑडिशंस के लिए तो मतलब ऐसा रहता था ना कि कोई किए हुए आर्टिस्ट आते थे जो सीरियल्स में ऑलरेडी काम कर चुके हो, ये हो वो हो, तो हम ऑडिशंस के लिए लाइन लगा कर बैठे रहते थे। हम लोग आते थे और फट से देख कर चले जाते थे ऑडिशन, क्या चलो भाई बड़े आर्टिस्ट है तो ये चलो। और मैं तो मुझे ऐसा लगता था नहीं शायद एक दिन मैं भी बनूंगी तो ऐसा मेरे साथ भी होगा। और मैं एक दो जगह जहाँ शूटिंग देखने गई थी, बिकॉज ऐसे रास्ते पे जाते थे कभी दिख जाती है तो जिस तरह से देखती थी एक्टर्स को, जैसे शॉट हो गया चेयर अरे स्पॉट पर चेयर लाओ, ये बैठो, चाय लाओ, ये लाओ वो लाओ, और छतरी लेके आते थे धूप रहती थी तो, और जिस तरह से केयर करते थे उनका। और मतलब मेरा भी ड्रीम था कि एक दिन शायद जैसे मैं ये लाइन में आई मुझे लगता नहीं शायद मैं भी एक दिन ऐसा मेरे साथ भी होगा तो वो सब चीज़ें आज ध्यान आती है। और एक दिन ऐसा हुआ था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था एक शूट के लिए, एंड देन आई वेंट देयर, और एक्चुअल मुझे पता नहीं था कि एक्चुअल में क्या है वो, उसमें रोल एक एड का था तो मुझे बिठा के रखा कि नहीं बस अभी होगा अभी होगा। और एक जो लीड उसमें थी तो उसको इतना मतलब उन लोगों मतलब उनको उसकी तरफ पूरा ध्यान था, मेरी तरफ ध्यान नहीं था, और मुझे बस बिठा के रखते थे जब जाओ हाँ हम आपका आपको सिर्फ बस बैठना है, इतना बोल दिया था मुझे शॉट के लिए। तो मैं सिर्फ बैठी थी, बुक पढ़ रही थी और मुझे बाकी कुछ नहीं बोला था क्या करना है एक्चुअली में, ऐड क्या है कुछ नहीं। और प्लस एक फैमिली दिखाया था जहाँ पर उस फैमिली की मैं भी हिस्सेदार थी,
और वो जो लीड में बाकी लोग जो थे तीन चार जन को सब बता दिया था ऐसा करना है वैसा करना है, तो मतलब मुझे एकदम साइड में रख दिया था और मुझे से फील होता था नहीं शायद मैं भी इसका पार्ट हूँ तो मुझे भी समझाना चाहिए जो है। फिर वो खाना मुझे नहीं पूछते थे कुछ नहीं ऐसा था, तो मुझे एकदम मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं इसका हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं, मुझे बहुत बुरा फील होता था इसके लिए, बस बुरा टाइम मैंने स्पेंड किया है और बस ये ऐड कर रही हूँ मैं और मुझे कुछ मतलब इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है इसके लिए, तो मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा और जब मैंने देखा तो मेरा रोल ही एडिट होकर आ गया था, मतलब मुझे दिखाया नहीं था। अच्छा, मतलब मैंने मेरे एक गुस्सा किया था फिर आपने? नहीं गुस्सा, क्योंकि उस टाइम हक नहीं था गुस्सा करने का। अदरवाइज आशिया जी को गुस्सा आता है? हाँ गुस्सा मुझे बहुत आता है बिकॉज एज यू से सजिटेरियस हूं मैं। सेजी है आप? हाँ, तो उनको तो दे आर वेरी शॉर्ट टेंपर्ड, मैंने ऑब्जर्व किया। हाउ यू रिएक्ट योर गुस्सा? देखिए मुझे कोई जरा सा भी बोल देगा मुझे तो ठीक है बर्दाश्त, लेकिन अगर मेरे फैमिली फ्रेंड या किसी को कोई कुछ इतना सा बोल देगा ना तो आई क्रिएट अ बिग हंगामा। कैसे? कभी लास्ट हंगामा कौन सा किया था? मैं कभी चिल्लाती नहीं हूँ। सबसे पहली बात यह है मैं बोलूंगी ना तो मुंह से बात कर दी हूँ, ऐसा आर्ग्यू कर दी हूँ कि सामने वाला चुप हो जाए, मेरी ऐसी आदत है। लेकिन बिकॉज अपना टेम्पर आउट होता है। आपकी फेवरेट फ्रेंड कौन है? फेवरेट फ्रेंड देखिए मेरे बहुत सारे, बिकॉज मेरे स्कूल फ्रेंड्स भी है, कॉलेज फ्रेंड्स भी है। और अभी किससे ज्यादा क्लोज आप? मेरे कॉलेज फ्रेंड्स जो है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है स्कूल में, नेहा है, निशात है, बहुत सारे हैं जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं ना। मेरा कैसा है कि स्कूल में और कॉलेज में मोस्टली सब मुझे पहचानते हैं। स्कूल में तो बहुत सारे क्योंकि मैं वैसी मस्ती खोर बहुत थी स्कूल में। अच्छा। और लाइक मुझे भाई बोलते थे सब लोग। क्या बात है। मैं इतनी मस्ती करती थी बिकॉज टेंथ जब मेरा एसएससी था तो एंड ऑफ द टाइम एसएससी का था, तो मैंने सोचा नहीं बस अभी स्कूल खत्म हो रही है तो जितनी भी मस्ती करके लो भले फिर प्रिंसिपल के पास जाओ कुछ भी करो, स्कूल एंजॉय करना। स्कूल लाइक जो 10-12 साल है वे दो तीन महीने में कसरत थी। सो मैं इतनी मस्ती करती थी कि जब भी हम लोग को फ्री लेक्चर होता था तो पूरे मैं स्कूल में घूमती राउंड मारती थी। अच्छा। और जैसे कोई टीचर दिखता था मैं नू में या कहीं चले जाते थे, मेरा जो ग्रुप था और मेरे जो बाकी ग्रुप के थे वो सब एकदम बेचारे शरीफ थे, लेकिन मैंने उनको बिगाड़ के रख दिया था। नहीं चलो कुछ नहीं होता है, चलो चलो। पूरी स्कूल हम राउंड मारते थे, चिल्लम चिल्ली करते थे, क्लास में रहते थे तो गेम्स खेलते थे, टीचर्स की एक्टिंग करती थी मैं। अच्छा। हाँ, सबकी नकल उतारती थी। अच्छा, नकल आप बहुत अच्छी तरह उतारते हैं। आपके जितने भी अभी जो सीरियल चल रही है बंदिंग, उसमें किसी एक की नकल? नहीं नहीं, उसमें किसी की नहीं। नहीं, ये डोंट वरी, मतलब अच्छी अच्छी आप बहुत अच्छी कर लेती है और मुझे मालूम है एक छोटा सा छोटी सी झलक किसी की भी। किसकी दिखाऊं? जैसे कोई डायरेक्टर आपको डांटता है या तो रोनी जी आपके साथ बात करते हैं कि मेरे जो दोनों डायरेक्टर्स हैं उनकी आदत क्या? क्या नाम उनका? एक तो कौशिक सर है, तो वो तो मतलब बेचारे कभी चिल्लाती नहीं है किसी पर, वो कुछ गलत होगा ना तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं आपने गलत नहीं किया, चलो एक और ठीक करते, नहीं नहीं बहुत अच्छा था एक और ठीक करते चलो। और अगर उनको ऐसा बुरा लग रहा होगा हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत हेक्टिव हो गया है, हम बहुत थक गए हैं, तो बेचारे तो ऐसे खड़े रहेंगे बहुत बुरा लग रहा है, थक गई होगी बहुत बुरा लग रहा है। और जो संतराम सर है हमारे, अगर हम शॉर्ट के लिए लेट करेंगे हम एक जगह खड़े रहकर बात करते रहेंगे सब लोग ग्रुप बना के सब लोग, तो एक बात बोलेंगे माइक में आओ आओ चलो आओ, और वो जब कट बोलते तो सीटी मारते हैं। हाँ वो कट नहीं, सीटी आप ही बजाते हो? हाँ, नहीं नहीं, नहीं, नहीं भाई लोग है तो बजा देते होंगे। हाँ लेकिन कैसे? ओके। हाँ फिर बाद में उनकी बहुत सारी आदत है, मतलब संतराम सर तो मतलब कौशिक से संतराम सर जो उनके काम करने में मुझे बहुत मजा आता है। आशिया जी एक ऐसा तीखा सवाल, नॉर्मली ये कहा जाता है कि जो भी नया आर्टिस्ट ये इंडस्ट्री में आता है और खास करके ये सवाल मेरा तीखा है लेकिन जवाब मुझे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चाहिए, नया जो भी कलाकार आता है उसको पैसे देने में बहुत ही कंजूसाई करते हैं, बड़ी बैनर हो या छोटा बैनर हो, क्या आप मानते हैं कि नया जो भी आर्टिस्ट होता है उसको भले लीड रोल मिले लेकिन उसके साथ कहीं ना इंसाफी होती है? देखिए अभी लोग कोई कोई होते हैं जो फेम के लिए काम करते हैं, कोई कोई होते हैं मनी के लिए काम करते हैं, तो जो मनी के लिए काम करते हैं फॉर देम मनी मैटर्स। तो जैसे कि लीड अभी स्टार्ट जो भी हो, अब किधर भी जॉब लो तो स्टार्ट में आपको एकदम हाई कोई भी नहीं देगा, भले इंडस्ट्री की बात नहीं बाकी ऑफिस में भी जाओ तो आपका जैसे जैसे प्रमोशन होता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती होगी। मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं इस एज में लेकिन मेरे ख्याल से स्टार्ट होती है तो हर चीज़ छोटी से ही होती है स्टार्ट।
मेरा ख्याल ऐसा है। स्कूल में भी अगर हम जब केजी से शुरू करते हैं तो डायरेक्ट सेंटेंसेस नहीं पढ़ाते, एबीसीडी पढ़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके सेंटेंसेस पढ़ाते हैं हमें। तो वैसे ही मेरा भी ख्याल है कि जब आप शुरुआत करो इंडस्ट्री में तो थोड़ी सी शुरुआत करो तो आगे जाके मेहनत करो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। आशा जी वक्त बहुत कम है लेकिन लास्ट में क्या क्या बनना चाहेगी, ऐसा कौन सा ड्रीम रोल है जो आशा जी करना चाहेगी? ये मैंने मेरा ड्रीम रोल तो ऐसे कुछ क्लास मतलब एक है हेमा मालिनी का शो में रखा वो, और लेकिन अभी जो मुझे बंधनी में मिला है वो भी मैंने सोचा नहीं था। तो इट्स एक ऐसा चीज़ है जो मैंने सोचा नहीं था मुझे मिल गया, तो इट्स मोर देन अ ड्रीम फॉर मी। थैंक यू वेरी मच आशा जी। दर्शक मित्र जोते प्रमाणे प्रथम ज सीरियल कदाच कही शकाय कि 3 वर्षनी सतत मेहनत पछी ज्यारे तेमने ब्रेक मळ्यो छे, ने ब्रेक पण एवी जग्या है कि एकता बेनर नी छे। एकता बेनर मां काम करवानुं दरेके दरेक आर्टिस्ट ने एक स्वप्न होय छे, ते स्वप्न पूरुं थयुं छे आशिया, अने आशिया ने अंदर जे धगश जोवा मळे छे, खास करीने जे ट्रांसपरन्सी जे तेजोने लागी रह्युं छे कि तेनी जे पण भविष्यमां कारकिर्दी छे तेने कोई रोकी नहीं सके। थैंक यू वेरी मच और विश यू ऑल द बेस्ट आशिया जी। दर्शक मित्रों फरी मळीशुं नेक्स्ट एपिसोड में एक नवा अतिथि साथे। नमस्कार।